दलित एक्टिविस्ट नवदीप कौर पर संघियों का हमला। एबीवीपी के गुंडों ने की मारपीट, कपड़े भी फाड़े। महिला दिवस पर महिलाओं के साथ जमकर हुई बदसलूकी। हंगामे की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। 8 मार्च को जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, तब राजधानी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ जमकर बदसलूकी की जा रही थी। किसी महिला को पकड़कर खींचा गया तो किसी के कपड़े फाड़ डाले, किसी के साथ मारपीट की गई तो किसी पर गालियों की बौछार हुई। सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी इमारत के बाहर सत्ता के संरक्षण में सारी हदें पार कर दी गई। दलित महिलाओं ने महिला दिवस पर अपने साथ हुई ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और महिलाओं पर संघी गुंडों ने हमला कर दिया। दरअसल दलित और मजदूर एक्टिविस्ट नवदीप कौर हरियाणा के बुटाना गैंगरेप पीड़िताओं की मां और दिल्ली के गुड़मंडी रेप पीड़िता की मौसी डीयू में भगत सिंह पत्र एकता मंच के बैनर तले जुटी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये महिलाएं दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी की कहानी बयां कर रही थी। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के कथित गुंडों ने इन महिलाओं पर हमला कर दिया। वहां मौजूद महिलाओं के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने न महिलाओं को बचाने की कोशिश की और न ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोका, उल्टे दिल्ली पुलिस नवदीप कौर के साथ जबरदस्ती करती दिखाई दी। इन तस्वीरों को देखकर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को शर्मसार होना चाहिए बल्कि पूरे देश को भी शर्मिंदा होना चाहिए कि कैसे बेलगाम सत्ता के संरक्षण में मनुवादी लोग दलित और वंचित तबके की महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।